हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ट्रेंड चल रहा है इसका, कुर्ती का, तो आप इसको कैसे कटिंग कर सकते हो वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। इसके लिए देखिए, हमने सबसे पहले तो जो लंबाई और इसकी चौड़ाई है वो आपने कैसे रखनी है। जैसे कि जो लंबाई है इसकी, आपने जितना भी आपकी कुर्ती तैयार है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, और चौड़ाई जो है आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है जितना भी आपका कुर्ती का घेर है। अभी सबसे पहले हम ऊपर से तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ से तीरा हमने 7 इंच के ऊपर लगाना है। यहाँ से 7 इंच के ऊपर ये जितनी मुझे फिटिंग चाहिए उसके हिसाब से मैं निशान लगा रही हूँ। जैसे कि आपका जो भी होगा नाप, आपने उसके हिसाब से लगाना है। इसके बाद यहाँ से 7.5 इंच के ऊपर मैं यार्न होल का निशान लगाएंगे, ये 7.5 इंच के ऊपर। यहाँ से भी आपने एक बार नाप लेना है कि पूरा 7 इंच ही होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। अभी हमने 1.5 इंच के यहाँ से काट डालनी है। ये काट का निशान लगाएंगे यहाँ से, ये 1.5 इंच के ऊपर लगाया है मैंने। आगे और पीछे की दोनों साइड की जो काट है उसका निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग जो है हमने 1/4 लेना है जितनी भी आपकी फिटिंग है। ये मैं 10 इंच ले रही हूँ यहाँ से। यहाँ से 6 इंच छोड़कर कमर का निशान लगाएंगे, ये 8 इंच के ऊपर लगा रही हूँ। तरह से ये 8 इंच के ऊपर आ गया है हमारा। और यहाँ से आपने हिप का निशान लगाना है। हिप का निशान जो है मैं 15.5 इंच के ऊपर लगा रही हूँ। ये 19.5 इंच के ऊपर लगाएंगे आप। तो ये तो हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। ये तो हमारी ये फिटिंग का है। इसके बाद हमने जो मार्जिन है उसका निशान लेना है यहाँ से। ये मार्जिन छोड़कर हमने, ये देखिए कपड़े का मार्जिन हमने रख लिया है। उसके बाद ये निशान लगा लिया है हमने इस तरह से। अभी जो कटिंग है हमने मार्जिन के ऊपर से करनी है। ये मार्जिन के ऊपर से कटिंग करनी है हमने, ये फिटिंग के निशान से नहीं कटिंग करनी है। देखिए जो ज़्यादा कपड़ा है इस तरह से हमने निकालना है इसको। यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने निकाल देना है, या फिर आप फोल्ड में भी ले सकते हो इस कपड़े को। देखिए यहाँ से आपने 1.25 इंच की काट डालनी है जहाँ तक कि आपका नेक है। नेक जैसे कि हमने 2.5 इंच रखना है, तो आप पहले ये निशान लगा लें यहाँ से 2.5 इंच का, जितना भी आपको यहाँ से चाहिए। जैसे कि मुझे 2.5 इंच चाहिए तो मैं 2.5 इंच के ऊपर ये निशान लगा रही हूँ। अभी यहाँ से 1.25 इंच की हमने काट डाल देनी है इस तरह से। ये हमारी काट हमने डाल दी है। देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकती हो।